दोस्तों, मेरा नाम अमृता है। शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति मुझे तलाक देने की धमकी देने लगे, क्योंकि अमृता को कोई औलाद नहीं हो रही थी। बात कुछ इस तरह थी, अमृता का पति अरुण औलाद की बहुत चाहत रखता था। इस वजह से शादी के 1 साल बाद जब अमृता को औलाद नहीं हुई तो अरुण ने अपनी पत्नी को ताने देने शुरू कर दिए। वह उस वक्त खूब रोती थी और रो रो कर ऊपर वाले से दुआ करती कि मेरी जल्दी से गोद भर दे ताकि उसे अपने पति के तानों से मुक्ति मिल जाए। मगर शायद अमृता की किस्मत में अभी और इम्तिहान लिखा था। तभी अचानक से अमृता की सास इस दुनिया से चली गई। वह काफी ज्यादा बीमार रहती थी, उनके इलाज में काफी सारा पैसा खर्च हो गया था, जिससे अमृता के पति अरुण और उसके देवर दिनेश के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज चढ़ गया था, जिसे उतारने की वजह से अरुण और दिनेश दोनों काफी मेहनत कर रहे थे ताकि कर्ज से जल्द छुटकारा मिल सके। इसी वजह से अमृता भी अपने पति के साथ खेतों पर काम करने के लिए जाने लगी थी और अपने पति के साथ खूब मेहनत करती थी। लेकिन जब से अमृता ने अपने पति के साथ खेतों पर जाना शुरू किया है, तब से वे काफी ज्यादा थक जाती थी। और इधर अमृता के देवर के घर पर औरतों के मसाज करके पैसे कमाने लगा था। उसका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था और अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। हर उम्र की लड़कियां और औरतें अमृता के देवर के पास मसाज करवाने आने लगी थी। अमृता ने अभी तक किसी भी लड़की के मुंह से अपने देवर के बारे में गलत नहीं सुना था। सभी लोग उसके देवर की बहुत तारीफ करते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन अमृता दोपहर को खेतों से आकर घर में आराम कर रही थी, तभी दिनेश के कमरे से एक लड़की रोते हुए बाहर आई। अमृता उस लड़की को देखकर हैरान रह गई। जब से दिनेश ने अपने कमरे में औरतों के मसाज वाला काम शुरू किया है, तब से आज तक कभी भी अमृता ने ऐसा नहीं देखा कि कोई औरत या लड़की उसके देवर के कमरे से रोती हुई बाहर आई हो। पर आज ये पहली बार था जो अमृता ने खुद अपनी आंखों से देखा था। अमृता सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी कि उसके देवर ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया जिससे वह रोती हुई बाहर गई है। एक दिन अमृता जानने के लिए अपना भेष बदल कर देवर के कमरे में मसाज करवाने चली गई। उसके बाद उसके देवर ने अमृता के साथ जो किया उसे देखकर तो उसकी रूह कांप गई। अमृता जब अपने देवर के कमरे में मसाज करवाने गई तो दिनेश बाथरूम में चला गया। लगभग 20 मिनट के बाद जब दिनेश बाथरूम से बाहर आया तो उसने अजीब सी शक्ल बना ली थी। अजीब सा भयानक चेहरा देखकर अमृता की चीख निकल गई, पर फिर वह शांत हो गई। फिर उसका देवर अमृता की पीठ पर मसाज करने लगा। सच में उसका देवर मसाज बहुत अच्छे से करता था, क्योंकि मसाज करने से पहले वह कमरे की लाइट बंद कर देता था ताकि वो किसी भी लड़की के खुले बदन को ना देखे। जब अमृता की मसाज की तब भी उसने लाइट बंद कर दी थी। मसाज से अमृता को बहुत आराम मिला था। जब मसाज पूरा हो गया था तो अमृता ने अपने देवर को पैसे देते हुए उसके चेहरे के बारे में पूछा कि जब तुम इतनी सुंदर लगते हो तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बना लेते हो। फिर उसके देवर ने जो बताया उसे सुनकर अमृता दंग रह गई। दिनेश ने कहा, मैं सुंदर हूँ और जवान भी, इसी वजह से लड़कियाँ औरतें मसाज करवाते समय मेरे से चिपक जाती हैं और कहती हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैं भल किस से शादी करूँगा। इस वजह से मैं पहले ही ऐसी शक्ल बना लेता हूँ ताकि कोई लड़की मुझे फ्लर्ट ना कर सके। अब अमृता समझ गई थी कि उस दिन वे लड़की रोते हुए बाहर क्यों आई। देवर की ऐसी शक्ल देखकर वह भी डर गई होगी। अमृता आवाज बदल कर अपने देवर से सब कुछ पूछ लिया। उसे पता ही नहीं चला कि ये उसकी भाभी थी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।